नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनाक महाजन और द इंडियन डॉक्टर चैनल के क्लिनिकल सीरीज में आपका स्वागत है। टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा आज हम जॉइंट पेन के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल। अगर आपकी आंख एक कैमरा होती तो वो कितने मेगापिक्सल की होती, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन के कई कारण होते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी, बढ़ती उम्र के साथ साथ प्रॉब्लम आना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम मूवमेंट करना और आर्थराइटिस। अगर आप आर्थराइटिस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे ज़रूर क्लिक करें। ज़्यादा बात ना करते हुए आज के नुस्खे पे आते हैं। आपको आपकी पंसारी की दुकान से कुछ सामान लेके आना है, जिसमें आते हैं गोंद कुंदरू, जिसको हम शलाकी बोलते हैं, 100 ग्राम, शुद्ध गूगल 100 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से पीस लेना है, पीसने के बाद कपड़े से छान लेना है और जब छान लेंगे तो वो महीम चूर्ण बन जाएगा। उसमें आपने 10 ग्राम गोदंती भस्म डाल देनी है। गोदंती भस्म कैल्शियम में बहुत रिच होती है। चलिए, इसके बाद आपने क्या करना है, एक चम्मच रोज़ सुबह शाम दूध के साथ लेना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद। लगाने के लिए आप महानारायण तेल ले सकते हैं, पतंजलि का पीड़ांतक तेल ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसके साथ साथ अगर आप आयुर्वेद पे भरोसा करते हैं तो अग्निकरम इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। अग्निकरम से अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है किसी भी टाइप के पेन के लिए और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो आते हैं आज के सवाल पे, अगर आपकी आंख एक कैमरा होती तो वो कितने मेगापिक्सल की होती। इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम आपके लिए डेली ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके आते हैं जो कि आप लोगों को पसंद भी आ रही है, तो हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम मोटिवेट होंगे और वीडियोस बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और अगर आपकी आंखें कैमरा होती तो वो एटलीस्ट 576 मेगापिक्सल की होती, आजकल के आईफोन और कैमरों से कई गुना अच्छी। तो चलिए, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें अच्छा लगेगा।